सर्प काटने से हुई मजदूर की मौत, जिला अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। अशोकनगर जिले से आया था। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के टीला अशोकनगर में रहने वाले मजदूर के सर्पदंश से मौत हो गई है। परिजन मजदूर को लेकर सोमवार की रात जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृग कायम का शव का आज पोस्टमार्टम कराया है। अशोकनगर जिले के कदवाया के रहने वाले कंचेती लाल विश्वकर्मा ने बताया कि वह अपने पिता प्रकाश विश्वकर्मा के साथ कोलारस टीला गाँव में मजदूरी करने आया हुआ था। सोमवार की रात 8 बजे के लगभग उसके पिता को सर्प ने काट लिया था। उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया था। उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर आज मंगलवार को अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच को आगे बढ़ा दिया है। तेज बोलना, क्या नाम है आपका? कंचेती विश्वकर्मा। आप आज हॉस्पिटल आए हो, क्या घटना हुई? मेरे पिताजी को सांप ने काटा। कहाँ पे काटा था आपके पिताजी को सांप ने? किस जगह काटा था, मतलब कहाँ? कोई काम कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे या घर पे या कहीं और काम करते हो? वहाँ काम करते थे। कहाँ पे काम करते हो? मजदूरी करते थे, टीला, ग्राम टीला। अच्छा, रहने वाले कहाँ पे आप? कदवाया। कदवाया से इधर किसके पास मजदूरी करते थे? नाम नहीं जानता हूँ, उनके पास करते। अच्छा, घटना किस टाइम हुई थी ये घटना? जी लगभग 7-8 के करीब। तो अभी डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने जी बोल दिया था, मतलब सीपरी ले जाओ। यहाँ सीपरी जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे? उन्होंने जी बोल दिया कि खत्म हो गया।